ओम शांति। 14 दिसंबर साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी उच्च हो, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। प्रश्न, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसके निशाने क्या है? उत्तर, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। गीत तो प्यार का सागर है। ओम शांति, यह किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत है जो शादी नहीं करते, बहुत है जो बिगड़ संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान, उसकी हिस्ट्री है। कहा, हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्म ज्ञान, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्म कुमार कुमारी, हम हैं गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर के संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह न सके, फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सत्युग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली है। पानी की गंगा से थोड़े ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदगति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रदान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहां रहे, वापस तो जान सके, कायदा नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, यह कोई कॉपी कर न सके। बल ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहां ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। भल ड्रेस भी यह पहने, परंतु यह कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं? इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा, इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इससे पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है, दुनिया बदल नई बननी है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं।
तुम जानते हो बाबा, हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हजीरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है। ऐसे नहीं सब में परमात्मा है, तो कसम उठाने की क्या बात है। अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं। हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात नहीं। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आँखों से देखी नहीं जाती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे। आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, तुमने बहुत पुण्य किया था। बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था, अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है, माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो। माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम, हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर, किस फादर को बुलाते हैं समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। पहले आसुरी कुल के थे, ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरी संतान। बापू गांधी भी कहचाते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूँ, ऊंचते ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डेटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं, और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बुटी की कहानी है ना, लेकिन यह तो ज्ञान की बुटी है, मनमना भाव की। दे अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, दे ही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डेटी वर्ल्ड सर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में देवी मैनर्स होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हो, तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकालो, भल या आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अक्कल की दाढ़ निकलती है,
बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़े देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है, ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे के गुण उठाना चाहिए, गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है, शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्चे सुख शांति तो यहाँ हो न सके, यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 9 अप्रैल 68। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, उनको बताना चाहिए। देखो सतयुग में एक ही धर्म एक ही राज्य अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा कि इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नई नई चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके, यह भी लिखना है सिवाय परम पिता परमात्मा के। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते, सर्व का सदगति दाता ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे, योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है, ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित बनाना है, बहुत कम और रॉयलिटी से बात करनी है। दूसरी पॉइंट तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान क्रस्टी होकर रहना है। वरदान अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। विस्तार है
आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है, या तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो, मन का भी बंधन न हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेगी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएगी। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन। दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.